नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन IAS अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने 3 वीडियो के माध्यम से प्रतिशत के लगभग 20 प्रकार के प्रश्नों को हल कर चुके हैं और आज कुछ और प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे कि पेट परीक्षा में यदि प्रतिशत के से प्रश्न आते हैं तो वे प्रश्न हमारे गलत ना हो। हमारा आज का प्रश्न है कि किसी आयत की लंबाई को 3 गुना और उसकी चौड़ाई को आधा कर दिया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये कोई आयत है, इसकी लंबाई को बढ़ा के 3 गुना और इसकी चौड़ाई को आधा कर दिया जाता है। ठीक, आधा कर दिया जाता है। तो पूछ रहा है कि आयत के क्षेत्र का क्षेत्रफल पहले से कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए एक साधारण सा फार्मूला है कि यदि किसी आयत की लंबाई को x गुना और चौड़ाई को y गुना कर दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल x y गुना हो जाता है। तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x y गुना हो जाएगा। यदि प्रश्न में पूछे कितने गुने की वृद्धि होगी तो x y माइनस 1 गुने की वृद्धि होगी। ठीक है, x y माइनस 1 गुने की वृद्धि होगी। यदि पूछा जाए कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी तो x y माइनस 1 गुणे 100 प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, x y गुना हो जाएगा। यदि आयत की लंबाई को x गुना और चौड़ाई को y गुना बढ़ा दिया जाता है तो उसका जो क्षेत्रफल होगा x y हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल में x y गुना हो जाएगा, x y माइनस 1 गुने की वृद्धि होगी और x y माइनस 1 गुणे 100 प्रतिशत की वृद्धि होगी। उसी प्रकार यदि वो आयत ना हो कि त्रिभुज हो तो उसके आधार में यदि x गुने की वृद्धि हो कराई जाए, ऊंचाई में y गुने की वृद्धि कराई जाए तो उसका क्षेत्रफल पहले से x y गुना हो जाएगा। ठीक है, x y गुना हो जाएगा और उसके क्षेत्रफल में वृद्धि x y माइनस 1 गुने की हो जाएगी और उसके क्षेत्रफल में x y माइनस 1 गुणे 100 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके दो राशियां जहां चेंज हो रही हैं उस सभी प्रकार के प्रश्नों को हम हल कर पाएंगे। तो चलिए अपने प्रश्न पे आते हैं हम लोग। हमारा प्रश्न है कि किसी आयत की लंबाई को 3 गुना और चौड़ाई को आधा कर दिया जाता है तो आयत का क्षेत्रफल पहले से कितना गुना हो जाएगा। तो x y गुना हो जाएगा, तो मतलब 3 गुणे 1 बटा 2 बराबर हो जाएगा 3 बटा 2 गुना हो जाएगा। ठीक, 3 बटा 2 गुना हो जाएगा। आयत के क्षेत्रफल में कितने गुने की वृद्धि होगी, तो गुने की वृद्धि मतलब x y माइनस 1 गुने की वृद्धि होगी। तो 3 गुणे 1 बटा 2 माइनस 1 बराबर होगा 3 बटा 2 माइनस 1। यहाँ हम LCM लेंगे, 2 नीचे आएगा, 2 का एक बार पढ़ा जाएगा, 1 तिहाई 3 माइनस 1 दुआई 2 2 बराबर हो जाएगा 1 बटा 2 गुने की वृद्धि, 1 बटा 2 गुने की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, उसके क्षेत्रफल में। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा, अब ये तीसरा हमारा क्वेश्चन है इसी में कि आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। तो हो जाएगा x y माइनस 1 गुणे 100 प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। अर्थात x का मान 3 है और x का मान 3 है और y का मान क्या है, 1 बटा 2 माइनस 1 गुणे 100 प्रतिशत। इसको हल करेंगे तो हमारा मान आएगा 1 बटा 2, 1 बटा 2 गुणे 100 प्रतिशत करेंगे तो 2 से काटेंगे, आ जाएगा हमारा 50 प्रतिशत की वृद्धि। ठीक है, 50 प्रतिशत की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने तीनों क्वेश्चन को इस क्वेश्चन के अंदर जो 3 प्रश्न पूछे गए तीनों को हमने हल किया। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि एक घनाभ, वहाँ पे आयत था, अब यहाँ क्या है, घनाभ है, कि लंबाई को 2 गुना, चौड़ाई को 1.5 गुना और ऊंचाई को 1/4 गुना किया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि घनाभ की लंबाई जो थी उसको कर दिया गया 2 गुना, लंबाई 2 गुना कर दी गई। दूसरे यहाँ शब्द दूसरी लाइन में कहा गया कि चौड़ाई को 1.5 गुना, चौड़ाई कितना कर दिया गया, 1.5 गुना, मतलब 1/2 गुना, या हम कहें 3/2 गुना। ये क्या है, हमारी चौड़ाई बढ़ा दी गई और ऊंचाई को 1/4 कर दिया गया।
एक बटा चार गुना कर दिया गया। तो पूछ रहा है ज्ञात कीजिए आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो ठीक उसी प्रकार प्रश्न लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, तीन वेरिएबल है, मतलब यक्स, वाई और जेड है। तो अगर पूछता इसमें, इस प्रश्न में भी अगर पूछता कि कितना गुना हो जाएगा, तो यक्स, वाई और जेड गुना हो जाएगा। कितने गुने की वृद्धि होगी, यक्स, वाई, जेड माइनस वन गुने की वृद्धि होगी। अगर और पूछता कि अब पूछा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो यक्स, वाई, जेड माइनस वन गुणे 100% की इसमें घनाभ में वृद्धि होगी। तो इसी फार्मूले पे हम लगा लेते हैं, यक्स का मान क्या है, 2 है, वाई का मान क्या है, 3/2 है, ठीक है, और जेड का मान क्या है हमारा, 1/4 है, और इसके बाद माइनस 1, ठीक है। इन सबको हमें हल करना है गुणे 100%। इसको हल करेंगे, 2 से 2 हमारा कट जाएगा, इधर आ जाएगा 3/4, 3/4 माइनस 1, ठीक है, गुणे 100%। 3/4 माइनस 1 को हल करेंगे, 4 हो जाएगा 3, उसके बाद इधर आ जाएगा 1 × 1 = 4, 4 गुणे 100%। आगे इसको हम हल करेंगे तो हमारा आएगा 1/4 माइनस का 1/4 गुणे 100%। 4 से काटेंगे ये जाएगा 25 बार, तो माइनस का 25%, मतलब उस घनाभ के आयतन में क्या होगा, 25% की कमी आ जाएगी, ठीक है, उस घनाभ के आयतन में 25% की कमी आ जाएगी। ये दोनों प्रश्न एक ही तरीके के थे, केवल वहाँ दो वेरिएबल था तो यक्स वाई हमने माना था, यहाँ तीन है तो यक्स वाई और जेड हमने मान लिया। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी बेलन की त्रिज्या को 2.5 गुना, ठीक है, यहाँ बेलन दे दिया गया है, बेलन की त्रिज्या आर की बात की गई है, आर क्या कह दिया गया, इसको 2.5 गुना बढ़ा दिया गया, ठीक है, 2.5 गुना के और क्या लिख सकते हैं, 5/2, ठीक है, 2.5 गुना लिखा जाता है, 2 सही, 1/2, 2 × 4 = 5, 5/2 गुना त्रिज्या को 2.5 गुना और उसकी ऊंचाई को 4/5 गुना, उसकी जो हाइट थी बेलन की उसे 4/5 गुना बढ़ा दिया जाता है। ज्ञात कीजिए उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई, ठीक है, आयतन भी पूछ रहा है, तो अब हमें बेलन का फार्मूला आना चाहिए। बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन v बराबर हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर h, ठीक है, पाई तो कांस्टेंट है, इससे कुछ मतलब नहीं, तो यहाँ पे r की दो वैल्यू है, इसको हम लिख सकते हैं r गुणे h, इस तरह लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब इस प्रश्न में तीन वेरिएबल रहेंगे, ठीक है, 2 r रहेगा, 1 h, तो प्रतिशत वृद्धि पूछा है, तो प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला है यक्स वाई जेड माइनस 1 गुणे 100 प्रतिशत, ठीक है, इतनी की वृद्धि या कमी होगी। तो यहाँ पर यक्स और वाई क्या है, दोनों सेम है क्योंकि दोनों आर हैं, आर के मान में कितनी वृद्धि की दी गई है, 2.5 गुने की, तो इन दोनों की जगह पे हो जाएगा हमारा 5/2 गुणे 5/2, और जब ऊंचाई है तो ऊंचाई कितनी है, 4/5, उसके बाद कर देंगे माइनस 1 गुणे 100, ठीक है, इसको हल करेंगे तो 2 × 4 कट जाएगा, इससे काटेंगे तो ये 1, 5 कट जाएगा, तो कहने का मतलब आ गया हमारा 5 - 1 गुणे 100, मतलब हो जाएगा 4 × 100, या हम लिखें इसे 400% की वृद्धि, ठीक है। तो टोटल बेलन की आयतन में 400% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं जहाँ पे हमें सूत्र लगाना पड़ता है, यहाँ पे यदि आपको बेलन का फार्मूला नहीं मालूम तो ये प्रश्न आप नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। लेकिन ये प्रश्न कहाँ से, प्रतिशत से उठा के दे दिया है, तो प्रश्न कहीं से भी आ सकते हैं, हमें सबके लिए तैयार रहना होगा। अगला प्रश्न हमारा है कि 2 संख्याएँ तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% कम है। 2 संख्याएँ हैं, कोई एक तीसरी संख्या है उससे 20% तथा 25% क्या है, कम है। तो पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो मान लेते हैं कि कोई तीसरी संख्या जो है वो 100 है, ये क्या है, तीसरी संख्या है,
कह रहा है कि पहली और दूसरी संख्या क्रमशः 20 और 25% कम है। मान लेते हैं पहली संख्या क्या है 100 से 20% कम है तो पहली संख्या हो जाएगी 80, दूसरी संख्या क्या है 25% कम है तो हो जाएगा 75। अब हमें संख्याएं पता चल गई। अब प्रश्न पे आते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या मतलब 80, दूसरी मतलब 75 का कितना प्रतिशत है? तो लिख देंगे 80 75 का यक्ष प्रतिशत, 80 = 75 का गुणे यक्ष बाई 100% है। ठीक है, 25 से काटेंगे, 25 × 75 = 100। ठीक है, अब यक्ष का मान निकालेंगे तो इधर 4 जो होगा इधर जाके गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 0 × 8 = 32 320 = 3x। ठीक है, यक्ष की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 320/3। इसको जब और हल करेंगे हम, 3 से इसको हम काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 × 1 = 3, 2 में नहीं जाएगा 0 लेंगे, 3 × 6 = 18, 106 सही 2/3%। ठीक है, यह हो गया हमारे पहले प्रश्न का आंसर। ठीक है, दूसरा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक है, दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसको यहीं पे लगा लेते हैं, दूसरी संख्या क्या है 75, पूछ रहा है 80 का कितना प्रतिशत है, लिख दीजिए 75 = 80 का यक्ष प्रतिशत। ठीक, यक्ष बटा 100 हो जाएगा, 20 से काटेंगे 20 × 80, 20 × 5 = 100, यक्ष बराबर हमारा हो जाएगा 75 × 5/4। इसको आपस में गुणा करेंगे हो जाएगा 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 2 आएगा बचेगा, 5 × 7 = 35 = 2 = 37, 375/4 ये यक्ष की वैल्यू है। इसको और सॉल्व करेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 × 8 = 4, 9 × 36 9 बार जाएगा। ठीक है, 1 × 4 = 3 12 3 बार जाएगा, 2 × 4 = 3 12 3/4, 93 सही 3/4%। ठीक है, यह दूसरी संख्या पहली संख्या का 93 सही 3/4% है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा इसी में अगला प्रश्न हमारा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? तो पहली बात फिर यहाँ लिख लेते, पहली संख्या हमारी कितनी आई थी 80, दूसरी संख्या हमारी आई थी 75, तीसरी संख्या हमने माना था 100। अब पूछ रहा पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, तो पहली संख्या कितनी है 80, दूसरी संख्या कितनी 75, अधिक कितना है 5, तो प्रतिशत अधिक कितना है? पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक कितना है 5 और प्रतिशत अधिक, तो 5 को ऊपर रखेंगे, जिससे तुलना करनी 75 से तुलना करनी, 75 को नीचे रखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको काटेंगे जाएगा कितना 5 एक बार जाएगा, 2 × 5 = 25 = 15 बार जाएगा, 15 से इसको काटेंगे तो ये 5 × 3 = 3 बार जाएगा और ये जाएगा 20 बार, 20/3% अधिक है। या तो इसको लिखना चाहे 3 × 6 = 6 सही 2/3% अधिक है। अगला प्रश्न है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? कम कितना है 5। ठीक है, कम कितना है 5 है, तो कितने प्रतिशत कम है दूसरी पहली से, तो 5, जिससे तुलना करनी उसको नीचे रखिए, 80 × 100, 5 से काटेंगे ये जाएगा 5 × 1 = 5 और ये बाकी 5 × 6 = 30 16 बार। अब 16 शिष्यों काटेंगे तो ये जाएगा 4 × 16 = 4 5 = 100, 25/4%। ठीक है, 25/4%, इसको और हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 6 = 6 सही 1/4%। ठीक है, तो दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से 6 सही 1/4% कम है।
तो इस प्रकार एक प्रश्न के माध्यम से हमने यहाँ चार प्रश्न देखे और इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि ताजे फल में 80% जल है जबकि सूखे फल में 40% जल है। ये कह रहा है एक ताज़ा फल है जिसमें 80% जल है। एक फल है, फल में दो चीज़ें होती हैं, या तो जल होता है बाकी सूखा भाग होता है। मान लेते हैं इस फल में 80, इसमें कहा गया कि 80% क्या है, जल है, तो 20% क्या होगा, इसमें सूखा भाग होगा। ठीक है, जब फल में 80% जल है तो 20% सूखा भाग होगा, इतना समझ में आ गया। अब दूसरी लाइन में कह रहा है कि इस फल को जब सूखा दिया जाता है तब इस फल में क्या होता है, जब इसे सुखाने के बाद इसमें 40% जल बचता है, 40% जल बचता है, और जो इसमें सूखा भाग है अगर 40% जल बचा तो 60% हो गया। ठीक है, अब अगली लाइन में कहता है 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल बनाया जा सकता है। मान लेते हैं कि ये पूरा फल कितना था, 100 किलोग्राम, ये दिया गया, मानना क्या है, दिया गया है, तो 100 किलोग्राम का फल था, 80% इसमें जल था, तो 20% इसमें क्या था, सूखा फल था, उसमें पानी नहीं था, तो 20% का मतलब 20 किलो इसमें सूखा फल था, लेकिन जब इसको सुखाया गया तो 40% इसमें जल बचा। ठीक है, तो बाकी बचा भाग जो है 60% वो क्या है, सूखा वाला भाग, इसी 60% की वैल्यू दिया 20 किलोग्राम। ठीक है, क्योंकि जब फल को सुखाएंगे तो जल ही उड़ेगा, उसका जो मेन पार्ट होगा वो तो नहीं उड़ेगा। अगर इस कंडीशन में 20% है अर्थात 20 किलो है, ताजे फल में ये 20% है सूखा, तो जब सुखाएंगे तब भी तो 20% रहेगा, तो 60% बराबर हमें मिल गया 20 किलोग्राम। पूछ रहा कितना सूखा फल बनाया जाएगा, तो 60% बराबर 20 किलोग्राम, तो 100% बराबर निकाल लेंगे, 100% बराबर हो जाएगा 20/60 गुणे 100। 20 से काटेंगे, 20 जाएगा 3 बार, और 3 से काटेंगे ये जाएगा 33, सही 1/3 किलोग्राम। ठीक है, तो उस ताजे फल से हम 33 सही 1/3 किलोग्राम सूखा फल प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, जिसको ये क्वेश्चन समझना है एक बार फिर से देख ले कि जैसे प्रश्न में कहा गया है कि 100 किलोग्राम का एक फल है। ठीक है, 100 किलोग्राम का एक फल है जिसमें 80% क्या है, जल है। अगर इसमें 80% जल है तो बीच में सूखा मावा जो होगा, मेवा जो होगा इसका, सूखा वाला भाग, ये 20% होगा। अब अगर फल 100 किलोग्राम का है, 100 किलोग्राम का यदि फल है तो 80 किलोग्राम जल हो गया, 80 किलोग्राम जल हो गया, और 20 किलोग्राम ये सूखा भाग हो गया उसका, सूखा भाग हो गया। जब इसको फल को और सुखाया जाएगा तो जल क्या होगा, उड़ जाएगा। तो सुखाने के बाद जो हमें फल मिला इसमें 40% जल था, इसमें 40% जल था। अगर एक सूखे फल में 40% जल है तो इसका जो सूखा वाला भाग है, मतलब उसका जो ठोस पदार्थ है, वो कितना हो जाएगा, 60, क्योंकि टोटल मिला के 100 होना चाहिए। अब क्या है कि जब हमने सुखाया इस फल को तो केवल जल ही तो उड़ा, ये जो सूखा वाला 20 किलोग्राम था ये तो नहीं उड़ा है। तो कहने का मतलब जो 60% है यही किसके बराबर है, 20 किलोग्राम के बराबर है। अब हमें पता चल गया 60% बराबर 20 किलोग्राम, तो 100% बराबर 20/60 गुणे 100। ठीक है, इसको काटेंगे 3 बार जाएगा, 3 से काटेंगे आएगा 33 सही 1/3 किलोग्राम सूखा फल हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। ठीक है, यहाँ थे होना चाहिए, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, जीतने वाले प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त होता है। कहने का मतलब 2 प्रत्याशी थे, ये पहला था ये दूसरा था, जीतने वाले को कितना मिला, 60%, और वह
140,000 वोटों से जीत गया था। अगर जीतने वाला 60% पाया तो हारने वाला कितना पाया होगा? 40% मत। इन दोनों के बीच कितना मत है? बीच का अंतर कितना है? 20% का, क्योंकि 60 ये पाए, 40 से दोनों के बीच अंतर कितना है? 20% का। और यही मान दिया है 60% मतलब, और 140,000 वोटों से वह जीत जाता है। तो कहने का मतलब जो इनके बीच प्रतिशत का अंतर है उतनी ही मत से जीता है। कहने मतलब 20% बराबर दिया गया है 140,000 वोट। तो पूछ रहा है कि कुल मतों की संख्या कितनी है, तो 20% बराबर 140,000, ठीक है। तो 1% बराबर 140,000 बटा 20, ठीक है। तो 100% बराबर 140,000 बटा 20 गुणे 100। इसको हल करेंगे, 20 एक जीरो इसका काट देंगे, 2 से काटेंगे ये जाएगा, 2 × 7 = 14, 0 0 0 तीन जीरो आ जाएंगे, फिर इसके 2 जीरो और ऐड हो जाएंगे, मतलब 700,000 टोटल वोट थे, ठीक है। अब पूछ रहा है और कुछ और पूछ रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए। टोटल वोट था 700,000, जीतने वाला पाया 60%, तो 700,000 का हम क्या करेंगे, 60% निकाल देंगे, 700,000, ठीक है। इसका हम निकाल देंगे कितना, 60% गुणे 60/100। यहाँ से यदि हम काटते हैं तो 2 जीरो इसके कट जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 जीरो इसके उतरे, 1 जीरो इसका, 4 और 6 × 42, 420,000 ऊँट जीतने वाले को मिला। अगले स्टेप में पूछा है कि हारने वाले को कितना मत प्राप्त हुआ, ठीक है। हारने वाले को कितना मत प्राप्त हुआ? हारने वाला पाया कितना मत? 40%। तो टोटल मत था 700,000, 700,000 गुड़े 40/100। इसको हल करेंगे हम, ये दोनों कट जाएंगे, 3 जीरो इधर से, 1 जीरो इधर से, 4 जीरो आएगा और 7 × 4 = 28, 280,000 मत हारने वाले को मिला। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न से 3 प्रश्नों को हल किए और सबको आपने देखा, ठीक है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब यहाँ देता है कि मत प्राप्त है, वह मतलब जीतने वाले को 60% मत प्राप्त है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हारने वाला 40% मत पाएगा, क्योंकि यहाँ कोई अवैध मत की बात नहीं हुई है। अब यदि वह 140,000 वोट से जीत रहा है, कहने का मतलब जो इनके बीच वोटों का प्रतिशत का अंतर है वही उतने वोटों से जीत रहा है। तो इनके बीच जो वोटों का प्रतिशत का अंतर है कितना है? 60 में से 40 घटाएंगे 20%, 20% का मान दिया 140,000, तो हमने इस प्रकार 100% का मान निकाल लिया, 700,000 आया। उसी के आधार पे हमने 60% और 40% का मान भी निकाल लिया, ठीक है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, ठीक है। एक चुनाव था जिसमें इस बार कितने हैं? 3 उम्मीदवार हैं, उसमें 2 थे, इसमें कितने हैं? 3 उम्मीदवार। कहा जाता है कि तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 10% मत प्राप्त हुआ, जो तीसरे स्थान पर था इसको 10% मत प्राप्त हुआ, जबकि जीतने वाले उम्मीदवार को 50%। अब जीतने वाला कितना पाया? 50%, ठीक है। यदि दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रत्याशियों के मतों में 24,000 मत का अंतर है, तो ज्ञात कीजिए मतों की कुल संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हमें यह निकालना है कि दूसरा वाला कितना प्रतिशत मत पाया। ये तो पागे 50, ये पागे 10, टोटल हो गया 60, और 100% मत होता है, तो 60 ही लोग पा चुके हैं, तो दूसरे स्थान पर रहने वाला कितना पाया? 40% मत। अब प्रश्न को पढ़ते हैं, ठीक है। यदि दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रत्याशी के मतों में 24,000 का अंतर है, मतलब इनके इनके बीच जो मतों का अंतर है वो कितना है? 24,000, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए मतों की कुल संख्या। तो इनके बीच मतों का जो अंतर है 24,000 का, लेकिन प्रतिशत में कितना अंतर है? 40 इनके पास है, 10 इनके पास, घटाएंगे तो आ जाएगा 30%। तो 30% मतों का अंतर है, तो यही 30% का मान दिया गया है, 30% बराबर 24,000, ठीक है। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 24,000 बटा 30,
इस प्रकार कुल मतों की संख्या मतलब 100% बराबर 24,000 बटा 30 गुणे 100। इसको अब हम काटेंगे तो एक जीरो से एक जीरो काट दिए, तीन से हमने इसे काटा, 8 बार जाएगा, 3×8=24 और 2 जीरो आ जाएंगे। इसको जब हम 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जीरो उतर जाएंगे, 2 इसके 2 इसके और 8 और 8×1=8। टोटल जो मत थे वो कितने थे, 80,000 टोटल मत था। ठीक है, टोटल मतों की संख्या कितनी थी, 80,000। ठीक है, तो इसी के साथ आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। प्रतिशत के लगभग इतने प्रकार के प्रश्न थे और जो प्रकार के प्रश्न हैं वो कुछ अलग हैं, उनको कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और प्रतिदिन आके इस चैनल पर पढ़ें। आपको बीरेश सर पॉलिटी पढ़ा रहे हैं एकदम आसान भाषा में, तो आप उनके भी लेक्चर को बराबर देखते रहिए और अपना प्यार इसी प्रकार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।